पता नहीं क्यों रात को ही बारिश हुई और अब भी बारिश हो रही है। देखते हैं कितनी देर तक बारिश चलती है। पढ़वेर स्कूल जाना है। अभी अभी मैं स्कूल से आया हूँ। जान ने आगे की वीडियो कंटिन्यू नहीं की थी क्योंकि वो अपना होमवर्क कर रहा था और आज बारिश भी हुई थी। तो अभी मैंने देखा है कि हमारे रैबिट्स का चारा खत्म है और सुबह से वो भूखे हैं। तो मुझे अभी जल्दी से क्या करना होगा। ये वाला जो थैला है यार, ये तो सारा गीला हो गया। कोई दूसरा लेते हैं, उसको जल्दी से लेके जाते हैं और इनके लिए चारा भी लेके आते हैं। अभी मैं चारा लेकर वापस आ चुका हूँ। मैंने अपने सारे बर्ड्स को भी खोल दिया है और रैबिट्स को भी खोल दिया है ताकि ये बाहर आकर धूप वगैरह सेक ले। ढोलू तो बबली के साथ मस्ती करने में लगे, लेकिन बबली उसको लिफ्ट ही नहीं करवा रही। वो अपनी मस्तियों में ही लगी हुई है, धूप सेकी जा रही है। और ये जो छोटा वाला पिकाचू है, ये भी कभी इधर जाके बैठ जाता है, फिर से नीचे आ जाता है। मोटू भी बाहर आ गया है और मिंटू तो चिंटू यहाँ पर घूम रहे, लेकिन मिंटू ने जाकर अपना पुराना काम करना शुरू कर दिया है। जैसे वो रोज ही वहाँ से चारा खाता है, आज भी खाने चला गया है। और मोटू और चांदी ने ऊपर चढ़ चढ़ के सारे पौधे ही हमारे खराब कर दिए हैं। शेख चिली और चीकू अभी तक नहीं बाहर निकले, पता नहीं है बाहर क्यों नहीं निकल रहे। और वैसे तो सबसे पहले हमारे राजा रानी बाहर आते हैं, वो अभी तक नहीं आए बाहर, पता नहीं क्या वजह। कहीं उन्होंने अपना एक और अंडा तो नहीं देना, या फिर अब सारे कबूतर बाहर आ गए हैं तो उनके खानों में जाके मिट्टी के साथ मस्ती कर रहे हैं। ये काफ़ी दिन हो गए। ये वाला जो है हनी, ये लगड़ा के चलता है, ये देखे, पता नहीं उसको क्या मसला है। भोलू मुझे दो तीन दिन से ढीला लग रहा है, यहाँ तो उसने अंडा देना है, यहाँ उसका कोई मसला है, वो बाहर भी नहीं आया हुआ। और यहाँ अब चिंटू के साथ मिंटू भी पहुँच गया है। अभी सारे के सारे बर्ड्स ने धूप सेक ली है, इनको मैं अंदर भेज देता हूँ। चलो 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 शाबाश शाबाश, अभी चलो चलो सारे अंदर चलेंगे। अब जरा सारे के सारे बर्ड्स को देख लेते हैं। पेड़ में चंडा दिया है, नहीं बेबीज को देखते हैं। अरे पत्तू पत्तू जैसे तो यहाँ पे मोटू, अच्छा मोटू जो है, मोटू जैसा जो कबूतर है वो, अरे वो तो यहाँ है नहीं। हाँ ये बैठा हुआ है, ये बैठा है यहाँ। चलो बेबीज ठीक है, चलो भाई लालू अंडे दिखाओ। अभी तक अंडे ही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाकी सबको देखने दो मुझे। ये खुडा तो बिल्कुल खाली है, इस सब में तो कोई अंडा नहीं होगा। चेक करके चित्रों ने अंडा दिया या नहीं, फिर तो ये अंडा पड़ा है। कहीं उन्होंने कोई और तो नहीं अंडा दे दिया, देखते हैं। इधर तो कोई अंडा वंडा नहीं है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी देख लेते हैं, नहीं है कहीं भी यार अंडा। और लगता है इसमें भी का ना, जहाँ से ये भाग के आया ना वहाँ पे इस टाइम दाना डालते थे इनको, इसलिए इसके ऊपर चढ़ के खड़े हैं कि मुझे दाना डाल दो। अरे भाई लालू अंडे दिखाओ, दिखाओगे कि नहीं, अभी तक अंडे ही पड़े हैं, मुझे देखते दोगे क्रैक है कि नहीं। उधर उधर उधर
प्लीज तुम ला लो भाई, तुम दो मिनट यहाँ बैठो, बस दो मिनट ज़्यादा नहीं, दो मिनट, मुझे बस अंडे देखने हैं। चलिए देखते हैं इसमें कहाँ है, क्रैक है, क्रैक है, क्रैक है, बच्चा हिल रहा है, इसमें भी क्रैक है। फोकस हो जा, ये रहा क्रैक, ये देखें, ये यहाँ पर क्रैक है और तो किसी साइड पर नहीं है। चलो अंडों को जैसे उठाया था वैसे रखते हैं। अरे भाई लालू तुम खुद ही चले जाओगे ना, चलो चला जाएगा कुछ अंडे पर, जाते जल्दी से पानी इनका पूरे। अच्छी बर्ड्स को देख लेते हैं, रैबिट्स यहाँ पर है, ये बार इधर घूमते रहे, इनको नहीं आज हम बात करेंगे। और ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ पैरट्स ने भी तक अंडा नहीं दिया यार। दोस्तों अगर आपको कोई तरीका बताए कि पैरट्स कैसे अंडे देते हैं तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमारे पैरट्स यार जल्दी से अंडे दे दें, ये हमारा पूरा केज पैरट्स से भर जाए। और आज एक सरप्राइज भी है, वो मैं आपको शाम को बताऊंगा। मज़े की बात ये नहीं है कि आज एक सरप्राइज है, मज़े की बात ये है कि लगातार 3 दिन तक हमें सरप्राइज मिल गए हैं। पहले दिन हमें मिला था कि और तित्रों ने अंडे दे दिए, दूसरे दिन हमने चिड़ी माड़ी कर ली, अब तीसरे दिन एक और सरप्राइज है, वो मैं आपको शाम को ही बताऊंगा। सरप्राइजों की हैट्रिक भी हो चुकी है, तो फिर अब शाम को मिलते हैं। बर्ड्स को मैंने जैसे ही बंद किया धूप भी चली गई। अभी शाम का वक्त हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि शाम के वक्त मैं आपको सरप्राइज बताऊंगा। सबसे पहले मैं सारे के सारे बर्ड्स को उनको शाम की डाइट दे देता हूँ। मैंने मास्टर केज का दरवाज़ा खोल दिया ताकि ये वाला जो हमारा पिकाचू बाहर घूम रहा है अंदर चला जाएगा। राजा रानी तुम लोगों ने नहीं बाहर आना, मैंने पिकाचू के लिए दरवाज़ा खोला है। रैबिट्स को भी चारा डाल देता हूँ मैं। वैसे तो इन्होंने यहाँ से काफी सारा चारा खा ही लिया होगा, फिर भी उनको मैं डाल ही देता हूँ। चलो भाई इतने ज्यादा बाहर ना हो, तुम्हारा चारा आ गया है। तो अब है बारी सरप्राइज की, दिखाओ सरप्राइज, दिखा देता हूँ। आपको याद होगा कि हमारे 40 सिंड्रेला के पुराने जो बच्चे थे वो मर गए थे, तो इन्होंने दिखा दो भाई चार्ली, इन्होंने दोबारा से अंडा दे दिया है। ये है आज का सरप्राइज। अब आप दुआ करें कि इनका दोबारा से बच्चा निकल आए और ये दूसरा अंडा देंगे उसमें से ये बच्चा निकल आए, इनका इस दफ़ा कोई अंडा इनफर्टाइल ना हो और इनके इस बार बच्चों को भी कुछ भी ना हो। तो दोस्तों फिर आज की वीडियो में यहीं तक ही था, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।